पानी की वजह से सारा ही बेकार हो गया। अभी घुस गया था मैं इसमें, ये बंद हो जाएगा ब्लॉग आना। 7 दिन का टूर है, उसमें से बेस्ट बेस्ट प्लेस है यार वो टूट गया यार। गिर ही रहा है कैसा। तो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, अपने आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मजे में। तो आज का सीन कुछ ऐसा है यार, आज मैं बहुत सारी अपडेट बताऊंगा आपको धीरे धीरे, बहुत सारी अपडेट इस वाले व्लॉग में आने वाले व्लॉग के लिए। तो वो सारी अपडेट मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा इस व्लॉग में। बाकी भी मैं वेट कर रहा था बहुत देर से, यहाँ पे उड़ती बारिश और जिधर हमको जाना है उधर बारिश नहीं उड़ती, तो यही हो रहा था। कभी यहाँ बारिश आ रही थी, कभी नहीं आ रही, तो अब रुक गई है। तो मेरे को जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा, क्या पता तब तक आ जाए। बस यही अभी का सीन। और आज हल्ला बहुत हो रहा है आज, क्योंकि तीज है यार, तो हैप्पी तीज सबको। तो आज भीड़ हो रही है, जितनी भी दीदी हो रहे हैं वो सवार रखे उनके बच्चे बच्चे। तो बंदर मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा है। भीड़ बहुत हो रही, तो आवाज भी आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में, तो उसके लिए सॉरी। बाकी दोबारा से हल्की हल्की बारिश आनी स्टार्ट हो गया, मैं फटाफट यहाँ से निकलता हूँ, मैं आपको सीधा मोटो ब्लॉक पे मिलता हूँ, वहाँ बात करते हैं। तो यार अभी मैं निकलने की सोच रहा था और यहाँ तो बारिश आ गया। अफो, ये तो गलत सीन हो गया, इसका ही मेरे को डर था और यही हो गया। अब दोबारा से बारिश होगी जब निकलने का टाइम हुआ। अभी जैसे निकलेंगे तभी निकलूंगा तुरंत। यार मैं भी मेरे दोस्त को लेने आया था इधर की साइड है उसका घर, और ये देखो बारिश पानी कितना भर रहेगा यार। अभी मैं साइंसपुर में ही हूँ, देखो कितना पानी भर रहेगा, नीचे दिखाना। ये बड़ी अच्छी बात कही यार। अरे भाई यहाँ तो नदी नाले चल रहे पूरे। सोबड़ी घर से तो मैं निकल गया था और हमारे उधर तो बारिश हो रही थी, बट मैं थोड़ा सा आ गया, मतलब आया हूँगा 2-3 किलोमीटर आगे, यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही है। और मेरा एक हाथ से मैं स्कूटी चला रहा हूँ, एक हाथ से मैंने गोप्रो पकड़ रखा है, वो इस वजह से क्योंकि यार गोप्रो का माउंट होता है ना, उसका जो नीचे का एंगल होता है ऐसा होता है वो स्विच करके, तो जो होता है ना वो टूट गया यार। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मेरे को हाथ से पकड़ना पड़ रहा है क्योंकि अगर मैं उसे नहीं पकड़ूंगा तो गोप्रो गिर सकता है, ऐसी मतलब संभावना आ रही है अंदर से ना, गिर सकता है, चांसेस है मतलब बहुत ना गिरने के, तो इस वजह से मैंने हाथ से पकड़ रखा है, बिना बात के क्यों रिस्क लेना। बाकी घर से तो मैं निकल गया था कैसे ना कैसे करके यार, बहुत वेट करा मगर यार वेट बहुत करवाया बारिश ने, इन द एंड की बारिश रुक ही गई। आगे क्या पता हो रही हो या नहीं हो रही हो, वो तो बात की बात है। बट यार मैं आप लोगों को अपडेट बता देता हूँ, मैं अभी एक दोस्त के पास जा रहा हूँ, उसकी डांस अकेडमी है तो वहाँ पे जा रहा हूँ मैं। बाकी एक बीच में लोकेशन भी पड़ती है तो वो लोकेशन भी मैं आपको दिखा दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको अपडेट बता देता हूँ आने वाले ब्लॉग्स की। आने वाले ब्लॉग्स में एक सीन ऐसा है यार, एक जगह हम जा रहे हैं, वो होगा मेरा कम से कम 1 वीक का टूर है वो मेरा पूरा का पूरा, तो वहाँ पे जा रहे हैं। तो बाकी मैं आपको वहाँ की लोकेशन वगैरह होगी ना पूरी देखने को मिलेगी आपको पे, मतलब 7 दिन का टूर है, उसमें से बेस्ट बेस्ट प्लेस है यार बहुत सारे, वैसे तो सारे ही बेस्ट हैं, मगर आप लोगों को भी मजा आएगा वो एपिसोड देखने में। और बाकी जो मैं व्लॉग डालता था ना डे बाय डे वो अब नहीं होगा, क्योंकि यार मैं थोड़ा किसी चीज़ में भी उलझा हुआ हूँ, तो इस वजह से कुछ महीने तक वो चीज़ नहीं हो पाएगी मेरे से, और शायद आगे भी ना हो, इन फ्यूचर हो, मगर कुछ टाइम के लिए तो डे बाय डे वाला सीन अभी बंद हो जाएगा व्लॉग आना, वीकली व्लॉग आएंगे अब तो, क्योंकि मेरे को उतना रिजल्ट भी नहीं मिल रहा यार, और किसी में सिचुएशन में भी फंस गया, तो इस वजह से मैं वो व्लॉग्स वगैरह भी नहीं डाल पाऊंगा, तो ये है उसका रीज़न। और बाकी जो अब व्लॉग आएंगे वो वीकली व्लॉग आएंगे। बाकी आने वाले व्लॉग का तो यही सीन है कि यार मेरे को अभी इस चीज़ का ये अफसोस हो रहा है कि जो इसका गोप्रो का माउंट है ना ये टूट गया, अब मैं ऐसे हाथ में तो नहीं रख सकता, और अगर मैं दूसरा माउंट लगाऊंगा तो उसमें दिक्कत होगी, अब मैं जैसे अगर ऑनलाइन भी मंगाता हूँ तो उसमें भी टाइम लगेगा आने में। चलो वैसे थोड़ा बढ़िया भी हुआ इस टाइम पर टूटा, अगर मैं डे बाई डे वाला ब्लॉग में टूट जाता फिर तो मेरे लिए दिक्कत हो जाती, बट ये अभी टूटा तो अपने लिए मच बेटर है क्योंकि अपने पास टाइम है, अगर मैं मंगाऊंगा भी तो कम से कम ऑलमोस्ट 6 to 5 days लगते ही लगते हैं, आज जाके ऑर्डर करना पड़ेगा मेरे को तब जाके वो आएगा, तो ये दिक्कत होगी यार। अभी तो मैं मतलब लगा रहा था अब कोशिश करते करते वो टूट ही गया, अब फेब्रिक्विक से वो चिपकेगा, आने वाले एक लॉक के लिए तो काम चल जाएगा, बट उससे पहले मेरे को मंगाना पड़ेगा यार, क्योंकि माउंट के बिना तो काम ही नहीं चलेगा अपना, ऐसे हाथ में तो मैं नहीं पकड़ के रख सकता। जैसे ये तो मेन रोड है, यहाँ पे तो मेरे को दिक्कत नहीं है, जैसे थोड़ी बहुत ही ऑफ रोड हो गया, हल्का सा धक्का मुक्का लगेगा तो ये बाहर आ जाएगा आराम से, और बिना बात के क्या फ़ायदा है गोप्रो नीचे गिर जाए, इसमें वैसे ही मैंने गिलास वगैरह कुछ नहीं लगा रखा, तो ये है एक रीज़न। और बाकी आज का जो मौसम हो रहा है ना वो तो बहुत अल्टीमेट हो रहा है यार, मतलब पहाड़ों में जाने का ये मस्त वो है, मगर वहाँ पे खतरा भी होगा क्योंकि लैंडस्लाइड्स वगैरह का खतरा होगा भी। तो बाय द वे वैसे तो मैं आपसे बात करते करते पहुँच गया हरपटपुर, बस यहाँ से थोड़ी दूर है वो लोकेशन, तो बस जैसे वो लोकेशन आती है फिर मिलते हैं आपसे। खामोशी सहना ये नहीं जरूरी। अभी मैं आसन बैराज के पुल पे हूँ और जो यहाँ पे पानी आ रहा है ना वो ऑलमोस्ट नीला ही टाइप आता था, और आज देखो बारिश की वजह से कितना गदला गदला सा पानी आ रहा है, और सामने की लोकेशन देखो उधर ही साइड जाना है, मैं पोटा साइड जाना है। खामोशी सहना ये नहीं जरूरी।
साथ। तो बस जाने जाने की दिक्कत थी, मतलब कोई इशू नहीं है मेरे को, हाथ से मैंने पकड़ रखा है। मैंने क्या सोचा था, एक्सपेक्टेशन मेरी कुछ और थी, और इस वजह से ना जो हमारी लोकेशन है ना वो पूरी बेकार होगी यार। रील भी सोची थी मैंने कि रील बनाऊंगा, बट लोकेशन ही बेकार होगी, रील बनाने का क्या ही फायदा है। अब मैं कोशिश भी करूंगा लाइफ स्टाइल ब्लॉग बनाने की, क्योंकि यार कभी हो पाएगा घूमना, कभी नहीं हो पाएगा, ऐसा वाला सीन है। बट हाँ, ये व्लॉग नहीं रुकेंगे, और जहाँ अपनी बेस्ट आई उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा व्लॉग बनाने की डालने की कोशिश करूँ मैं। तो ये है कि मंथली 8 से 7 व्लॉग्स तो आएंगे ही आएंगे। जो ये वाले नीचे जा रही है ना रोड, यहाँ से इतना प्यारा शॉट दिखता था इस वाले पुल का, पानी की वजह से सारा ही बेकार हो गया। बट जो ये पानी आ रहा है ना, ये पानी ब्लू या ग्रीन टाइप होता था, उससे बहुत इफेक्ट पड़ता था लोकेशन पे, बट लोकेशन ही बेकार होगी पानी की वजह से। जो ये पानी है ना, ये इसकी जो डिप्थ है वो बहुत गहरी है, बट ये ना इतना पानी नहीं होता था जितना अभी है, ऑलमोस्ट ये ऊपर आने वाला है पानी। बाकी मेरे को हर झटके पे गोप्रो पकड़ना पड़ रहा है, ये नीचे ना आ जाए यार। ये आइडिया मैं वैसे पहले भी लगा सकता था, बट मैंने सोचा था कि लेट ना हो जाए घर के लिए, क्योंकि मेरे को घर पे भी काम है यार, कुछ घर के भी काम रहते हैं, वो भी थोड़ा जरूरी है, तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ मैंने कहा लाइफ स्टाइल ब्लॉग ही बना लूँ। बाकी यार जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा था, ये थी वो लोकेशन, और इसके पार भी एक लोकेशन, दो लोकेशन मैंने आज इस व्लॉग में दिखाने की सोची थी, बट इस पानी की वजह से लोकेशन पूरी ही बेकार होगी। यहाँ से पानी आता है और रात में जो सामने है ना वहाँ लाइट जलती है, तो लोकेशन बहुत प्यारी दिखती है, और यहाँ बंदे चिल विल करने आते हैं शाम को, मतलब बहुत फेमस है ये, विकास नगर हो गया, हरपतपुर हो गया, चिल विल मारने के लिए। और बाकी जो दूसरी वाली लोकेशन है वहाँ तो अंदर पार्क टाइप भी है, और सामने जो माउंटेन्स दिख रहे हैं ना उस पर तो फॉग ऐसे उड़ रहे हैं जैसे धुआं नहीं छोड़ देते उस टाइप का। देखो ऑलमोस्ट ऊपर ही आने वाला है पानी, वो देखो वहाँ पे डिप्त है ना, जो हल्की सी बची है, इतनी बची होगी जितना मेरा ये ब्लैक वाला हैंड है। अरे माँ, अभी घुस गया था मैं इसमें। अरे देखो पानी इतनी तेज है ना, अगर इसमें कोई बंदा गिर गया ना वो बच ही नहीं सकता, और उसे कोई बचा भी नहीं सकता। पानी की जो होती है ना ऊपर ऊपर उड़ के आता है, हल्का हल्का पानी उड़ उड़ के ऊपर तक आ रहा है, इतना पानी आ रहा है यार, पूरा भर रहेगा पानी उधर तक। बाकी जिसमें लोकेशन की बात कर रहा था, दूसरी लोकेशन ये थी अपनी, ये देखो यहाँ पे अंदर एक कैफे है, और सामने यहाँ पे भी मतलब इतना गंदा हो गया ना पूछो मत। ये पूरा सीन था यार जो मैं आपको दिखाना चाहता था, बट पूरा ही पानी की वजह से पूरा ही गंदा हो गया, पूरा ही। इतनी मस्त लोकेशन दिखती है ना पानी की वजह से, मगर इस टाइम पे तो कुछ है ही नहीं, प्लान चौपट हो गया अपना आज की लोकेशन का। मैंने जो जो चीज़ें एक्सपेक्ट की थी वो चीज़ें मैं आपको दिखाई नहीं पाया। तो यार जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा था आपसे, तो ये थी यार वो लोकेशन, बट पानी की वजह से मेरा भी मूड खराब ही हो गया, क्योंकि पानी इतना बेकार आ रहा है ना कि मन नहीं कर रहा है व्लॉग बनाने का। बट चलो जो भी है यार ठीक है, सामने का जो व्यू दिखता है वो भी बहुत प्यारा है यार यहाँ से, बट क्या कर सकते हैं, है ही नहीं किस्मत में। तो बाकी मैं यहाँ से निकलूंगा मैं घर सीधा, क्योंकि यार जो व्लॉग में था वो तो मैं दिखाई नहीं पाया, क्योंकि वो लोकेशन बेकार हो चुकी है। तो यार दिस ऑल फॉर द व्लॉग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय। झन हवा में है ना।